दोस्तों, वो कहावत आप लोगों ने तो जरूर सुनी होगी, घर का भेद ही लंका ढाए। ये कहावत कश्मीर के मामले में सटीक बैठ रही है, क्योंकि दोस्तों कश्मीर घाटी में हालात अब खतरनाक मोड़ ले चुके हैं, क्योंकि कुछ सेपरेटिस्ट पार्टियों ने इंडियन आर्मी के खिलाफ एक नई प्रोपेगेंडा की लहर छेड़ दी है। ये ग्रुप लगातार जहरीली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जज्बात भड़का रहे हैं, और यहां तक कि इंडियन आर्मी को कश्मीर से हटाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC, जो अपनी प्रोवोकेटिव स्टांस के लिए जाना जाता है, ने यह तक कह दिया है कि इंडियन आर्मी इसराइल से भी बदतर है। उनके शर्मनाक इल्जामों के मुताबिक इंडियन आर्मी कश्मीरी लोगों को मार रही है, जो उनका कहना है इसराइल भी अपने लोगों के साथ नहीं करता। इस तरह की वक्रपटुता ने खौफ का माहौल पैदा कर दिया है, और यह सब कुछ आग लगाने वाली बातों से कम नहीं है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये बातें अभी क्यों हो रही हैं? इतनी सेपरेटिस्ट हॉस्टिलिटी के पीछे क्या वजह है? ये सब कुछ एक बड़े डेवलपमेंट से शुरू हुआ। कल जब इंडियन आर्मी ने एक कश्मीरी नौजवान को पकड़ा जो पाकिस्तान को इंडियन मिलिट्री की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेच रहा था। जी हाँ, पाकिस्तान जो हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमेशा भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है, और ये आम इंसान नहीं था, ये लड़का क्लासिफाइड मिलिट्री सीक्रेट्स पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बेच रहा था। दोस्तों, अब शॉकिंग बात यह है कि इंस्टेड ऑफ कंडेमनिंग दिस गद्दार सेपरेटिस्ट लीडर्स, अब उसकी तरफदारी कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, ये लोग आर्मी के खिलाफ और उस गद्दार के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, जो लोग हमारे भारत को टेररिस्ट्स और पाकिस्तान बैक्ड इंसर्जेंट से बचा रहे हैं। उनके खिलाफ इन पार्टियों का गुस्सा समझ से परे है। ये पार्टियां जो हमेशा अपनी एंटी नेशनल टेंडेंसीज के लिए नोटोरियस रही हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कश्मीर में कोई पाकिस्तानी जिहादिस्त की मदद करे, उन्हें अपने घरों में छुपाए, या फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करे। इनके ट्विस्टेड वर्ल्ड व्यू में ये एक्शंस जस्टिफाइड हैं, लेकिन जैसे ही इंडियन आर्मी उन्हें पकड़ने या उनका सफाया करने आती है, तब ये लोग ऑपरेशन और टायरनी चिल्लाने लगते हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके आपके मन में इसे लेकर जो भी सवाल है उसे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये सिर्फ सेपरेटिस्ट्स ही नहीं जो ये ड्रामा कर रहे हैं, बल्कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, जैसे कुछ US सेनेटर्स जो छुपकर POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा करते हैं, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब प्रो पाकिस्तान लोग कश्मीर में टेररिस्ट्स की मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही इंडियन आर्मी इन मिलिटेंट्स या स्पाइस के खिलाफ रिटेलिएट करती है, यही लोग हमारी आर्मी को टायरानिकल बोलना शुरू कर देते हैं। क्या ये लोग जानते हैं टायरनी का मतलब? क्योंकि जो कश्मीर में हो रहा है वो भारत की सॉवरेंटी को अंडरमाइन करने की सिस्टमैटिक कोशिश है, जो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलकर हो रही है। दोस्तों, एक चिलिंग फैक्ट याद दिलाता हूं। पिछले 2 महीने में 23 लोग पकड़े गए हैं जो डिस्क्रीटली सोशल मीडिया के थ्रू इंडियन आर्मी की क्रूशियल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर कर रहे थे, और ये सब लोग सोशल मीडिया का यूज करके ये सब कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म लोगों को कनेक्ट करने के लिए बना था, वो अब नेशनल सिक्योरिटी को जेपरडाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये गद्दार लोग अपने घर बैठे सेंसिटिव मिलिट्री सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं, जो हजारों इंडियन सोल्जर्स की जान खतरे में डाल सकते हैं। ये सिर्फ एक बिट्रेयल नहीं है, ये तो देशद्रोह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और दोस्तों, ये सब तो कुछ भी नहीं, जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन्फोर्स हुई है, जो भी पाकिस्तानी एजेंट्स को इंडियन आर्मी की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा उसके खिलाफ फुल इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जेस फाइल किए जाएंगे, और किसी पर भी मर्सी नहीं दिखाई जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कोई भी पॉलिटिकल अपीजमेंट नहीं चलेगा। इंडियन आर्मी चीफ जनरल अपेंड्रा द्विवेदी ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मन गद्दार लोगों के लिए कोई फॉरगिवनेस नहीं होगा। अगर एस्पियोनाज के सबूत मिल गए तो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने अपने खुद के वर्ड्स में कहा है कि ऐसे लोग मर्सी के लायक ही नहीं है। दोस्तों सोचिए, जो लोग अपनी लॉयल्टी और देश के राज्य थोड़े से पैसे के लिए बेच सकते हैं, क्या ऐसे लोग डिजर्व करते हैं कि वो आजाद घूमें? क्या हम ऐसे लोगों को अपने आसपास रहने दें जो किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंडियन आर्मी ऐसे गद्दार लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। सच्चाई तो ये है कि अगर आज हम
इन दुश्मनों को अंदर से नहीं कुचलेंगे तो कल ये हमारे लिए और बड़ा खतरा बनेंगे। यही लोग तो कश्मीर में हो रहे टेररिस्ट अटैक्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पूनत से लेकर उरी राजौरी से पुलवामा तक। इनका गद्दारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, बिल्कुल साफ बात है, कोई भी एक्सटर्नल पावर चाहे जितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक मुल्क पर सक्सेसफुल अटैक तभी कर सकती है जब उसे अंदर के लोगों का सपोर्ट मिलता हो। ये सेपरेटिस्ट्स और प्रो पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स ही वजह है कि कश्मीर में हो रहे टेररिस्ट अटैक्स सक्सेसफुल हो पाते हैं। ये लोग मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस और सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन्हें अपने ईविल प्लान्स को अंजाम देना आसान हो जाता है। इसी वजह से इंडियन आर्मी, और बिल्कुल ठीक वजह से, इन गद्दारों के लिए कोई लीनियंसी टाटवंस नहीं दिखाएगी। दोस्तों, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते मैं इस स्टांस से पूरी तरह से सहमत हूँ। आर्मी को उन लोगों पर मर्सी क्यों दिखानी चाहिए जो एक्टिवली हमारे देश को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो वैसे ही है जैसे एक सांप को पालो और उम्मीद करो कि वो कभी तुम्हें नहीं डसेगा। चाहे तुम उसे कितना भी खिलाओ, एक सांप सांप ही रहेगा और एक दिन तो वो जरूर डसेगा। इसी तरह ये गद्दार जो अपनी लॉयल्टी थोड़े से डॉलर्स या रुपीस के लिए बेच रहे हैं, ये कभी भी हमारे देश को धोखा देंगे जब तक इन्हें सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती। दोस्तों, कश्मीर घाटी एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ इंडियन आर्मी है जो टायरलेसली काम कर रही है हमारे देश की सॉवरेंटी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, और दूसरी तरफ है सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, गद्दार और पाकिस्तानी एजेंट्स जो कश्मीर और भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त है एक फैसला लेने का। क्या हम इंडियन आर्मी के साथ खड़े होंगे जो हमारे देश के रक्षक हैं, या इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को छोड़ देंगे ताकि ये अपने देशद्रोह की कैंपेन को जारी रखें? फ्रेंड्स, जवाब बिल्कुल साफ है। हमें अपनी आर्मी के पीछे खड़े होने की जरूरत है और हर एक्शन जो वो इन गद्दार लोगों को निकालने के लिए ले रहे हैं उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप भी आर्मी चीफ जनरल ड्वाइवडी की बातों से सहमत हैं तो नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलकर हम एक स्ट्रांग मैसेज भेज सकते हैं कि भारत कभी भी धोखे को टॉलरेट नहीं करेगा, चाहे वो धोखा अंदर से हो या बाहर से। और हाँ, अगर आपको ये मैसेज समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब शॉर्ट करना ना भूलें ताकि आपको और अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद।